नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। सोने दो ना। सोने का टाइम नहीं, प्यार करने का टाइम है। तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा कुछ और नहीं सोचता है क्या? मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही सोचती हो। सर वैसे ना मेरे पास एक सरप्राइज पार्टी। क्या? नाइस लव कार्ड। अच्छा तो जनाब शायरी भी लिखते हैं। ना चांद की चाहत ना तारों की फरमाइश है, जिंदगी भर तू मेरी बाहों में रहे, ये मेरी चाहत। मत उठाओ। ना बहस मत करो। फोन मत उठाओ। अभी ये इतना बड़ा शक्की इंसान है, अपने किसी रिश्तेदार को या फिर यहाँ भेज देगा या फिर दिल्ली से बस पकड़ के सीधा यहाँ पे आ जाएगा। अभी तुम बाहर जाओ। लेकिन कुछ नहीं तो अभी को आता। हेलो गुड मॉर्निंग जान। गुड मॉर्निंग बेबी। क्या हुआ, तुम अब तक सो रही हो? नहीं तो मैं तो बस काम करने ही जा रही थी। तुम बताओ इतनी सुबह सुबह कैसे कॉल किया? कल रात मुझे नींद ही नहीं आई। अच्छा वो क्यों? क्योंकि मैंने हर पल सिर्फ तुम्हें याद किया। अच्छा सच बताओ तो मैंने भी तुम्हारे प्यार को बहुत मिस किया। काश मैं तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हें अपनी आगोश में ले लूं। हाँ तो आ जाओ ना, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अच्छा सुनो मैं तुमको बाद में कॉल करती हूँ, मुझे ना बहुत सारा काम है। ठीक है बाय बाय। बाय लव यू। तुम्हें एक बार समझ में नहीं आती, बोला था ना बाहर रुकने के लिए। तुम्हारे समझ में नहीं आता है? नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना एक पल भी। तुमसे कुछ बात कर रही हूँ ना मैं। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ये कैसा सवाल है? कभी कभी ना ऐसा लगता है ना सिर्फ तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हें मेरी नहीं मेरे शरीर की जरूरत है। चाहे मेरे सिवा कोई और आदमी भी हो ना जो चलेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरी बाहों में पागल हो रही थी ना, और अभी पति से कसमें वादे कर रही थी, तो हम दोनों की जज्बातों के साथ खेल रही हो क्या? तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं घटिया औरत हूँ, तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ, है ना? मर्सा, I'm so sorry. नाराज तो मैं होगी, तो तुम एक काम करो, अपना सारा सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से। मैं जाऊंगा कहाँ? ये तुम्हारी प्रॉब्लम। फटाफट अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। अच्छा मैं अभी ऑफिस चला जाता हूँ। हाँ वापिस चला जाऊंगा प्लीज। वर्षा तो नाराज हो गई यार, मनाना पड़ेगा।
चलो नाश्ता कर लो। सुनो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आज शाम तक तुम्हें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। भी ना आज तुमने कुछ ज्यादा ही गुस्सा निकाल दिया। आने दो, आज उसके सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगी। लगता है जतिन आ गया। सरप्राइज राजीव, तो तुम? हाँ मैं। ये क्या पहना है तुमने? तुम्हारे लिए तो पहना है। मेरे लिए? मुझे पता था तुम आने वाले हो। कैसे? पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि तुम आज आने वाले हो। शादी से ही प्यार कहते हैं। ओह माय स्वीट हार्ट। जतिन घर आता ही होगा। अगर राजीव ने उसे यहाँ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जी वो मैं। अरे ये जतिन है, मेरा रिश्तेदार। कौन सा रिश्ता है? मेरी चचेरी बुआ का लड़का है ये। नमस्ते जी। जी जतिन, ये नाम तुम्हारे घर वालों से कभी नहीं सुना? और तुम तुम्हारी शादी में भी नहीं आए थे? वो तुम्हारा भाई है? हाँ, एक्चुअली ये बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा था, इसके एग्जाम चलने वाले थे इसलिए आए नहीं। यहाँ कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली इसकी नौकरी यहाँ पर लगी है,
तो मैंने इसको यहाँ रुकने के लिए बोल दिया। वर्षा, मैं जतिन से बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, क्या पढ़ाई की है? MBA। MBA। तब तो तुम्हें इतनी तमीज होनी चाहिए कि किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं, करते हैं ना? सॉरी, चलता हूँ। आउट। सोने दो ना जतिन। वर्षा, क्या हुआ जान? जतिन, तुम्हें पता है तुमने अभी जतिन का नाम लिया? सच? वो क्या है ना जान, तुम दिल्ली में रहते हो और जतिन यहाँ पर रहता है। वो अक्सर ना मुझे सुबह सुबह नाश्ते के लिए उठा देता है, तो इसलिए धोखे से उसका नाम निकल गया मेरे मुंह से। कमॉन जान, नाराज हो प्लीज। ठीक है। अच्छा सुनो ना, तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, याद है? कौन सा प्रॉमिस? तुमने कहा था ना मुझे गांव में जमीन है वो तुम मेरे नाम कर दोगे। ऐसे क्या देख रहे हो? आप मेरे पति हो ना, आपकी हर चीज में मेरा हक है। और अगर छोटी सी जमीन मेरे नाम कर दोगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? हाँ ठीक है, सोचूंगा। अब जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, मेरे लिए चाय लेकर आओ। मैं पागल हो चुका हूँ प्यार में। जतिन छोड़ो मुझे, अगर राजीव ने हम दोनों को यहाँ देख लिया ना, हम दोनों को मार देगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए इस समय। जतिन छोड़ो मुझे। पानी खत्म। जतिन वो सेल्फ से बड़ा वाला पतीला निकालना, 3 कप चाय बनानी है ना, बड़ा पतीले की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ क्या करने आए? मुझे आवाज दे दी होती मैं कर देती। ना सकते
चलिए हम आपको अपने हाथ से नाश्ता खिलाते हैं। मुझे नहीं खाना है। क्यों? क्या बात है, आप दोनों का रोमांस चल रहा है? क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अच्छा चलता हूं। वो छोड़िए, चलिए आप खाना खाइए वरना ठंडा हो जाएगा। ओफो, अब कौन आ गया? मैं देखता हूं। अरे मम्मी जी, आप? दामाद जी, मैं तो वर्षा से मिलने आई हूँ, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि तुम भी मिल गए। अंदर आइए ना। अरे मम्मी, कैसी है बेटा? एकदम ठीक, और आप? बस बढ़िया। मम्मी जी, आपके आने के ठीक 2 मिनट पहले जतिन गए। जतिन? कौन जतिन? वर्षा की बुआ जी का बेटा, आप नहीं जानते? अच्छा हाँ, याद आया, उषा का बेटा, उसका घर का नाम गुड्डू है। अच्छा, गुड्डू आया है? हाँ बेटा, एक गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ मम्मी जी? वो मुझे लगता है कि मैं अपनी बीपी की दवा घर पे ही भूल गई हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी बढ़ रहा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं लेके आता हूँ। ये दवाइयाँ ला दो। आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ। ये जतिन जरूर तेरा नया यार होगा। तुम्हारी पिछली शादी में भी तुमने यही सब नाटक किए थे, सब पता है मुझे। अरे मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिना बात के तिल का तार बना दी। जतिन मेरे कॉलेज का फ्रेंड था, वो यहाँ अपने ऑफिस के सिलसिले में काम से आया था, तो मैंने उसको यहाँ रुकने के लिए बोल दिया। चुप, बिल्कुल चुप। अगर जो तूने ये बकवास बंद नहीं की तो मैं तेरी सच्चाई राजीव को बता दूंगी। अरे तुझे ये सब हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? काश तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई, निर्लज्ज। मम्मी, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजीव के दूर होने की वजह से मैं अकेलेपन का शिकार हो गई थी, फिर ये सब, तुमने मेरी आंखें खोल दी मम्मी। अगर जो तुम्हें सच में अपने किए पर पछतावा है तो तुम उस जतिन से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो, और वो भी अभी। ठीक है, जतिन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे आज से अपने सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। वर्षा, ऐसा मत बोलो यार, चना कैसे कैसे हो गया? मेरी आंखें खुल गई हैं। हमारा रिश्ता हर लिहाज से गलत है, और मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ जतिन, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। वर्षा मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, और हाँ, तुम्हें घर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा सामान सारा उठा के मैं बाहर गेट पे रखवा दूंगी, आके ले जाओ। पर तो मेरी बात तो सुनो। अरे मम्मी जी, आप काम क्यों कर रही हैं? वर्षा। अरे बेटा, वर्षा तो शाम से ही लगी हुई है तुम्हारी मनपसंद भिंडी फ्राई बनाने के लिए। क्या बात है,
मैंने सोचा थोड़ा हाथ बटा देती हूँ, थोड़ी सी सब्जी थी कट गई। जी जी हाँ हेलो भाई, वाह बहुत ही लाजवाब खाना बना है। भाई हो भी क्यों ना, मेरी बेटी खाने में अपना प्यार जो मिलाती है। वैसे जतिन नहीं आया? उसका कॉल आया था, वो कह रहा था उसको ऑफिस में कुछ इमरजेंसी है तो वो बाहर जा रहा है, और एक दो दिन में वो अपना सामान लेके भी चला जाएगा। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। देखो हमारी शादी को 1.5 साल हो गया और हम अब भी अलग अलग रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ दिल्ली ले जाने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटा, लेकिन इस मकान का क्या होगा? आपने तो कहा था इस पुश्तैनी घर की देखभाल करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, और आपके चचेरे भाई की नजर भी इस घर में है। वो सब इंतजाम मैंने कर लिया है, मैं जल्दी ये घर भेज दूंगा। अरे क्या बात है, आपने ये खबर सुना के मेरे मन की बात छीन ली। मैं कब से आपके साथ रहने का सोच रही थी। हम कल शाम को निकलेंगे, बड़े सामान को पैक करने के लिए मैंने पैकर से बात कर ली है, वो कल सुबह आएंगे और सारा सामान पैक कर देंगे, फिर सारा सामान ट्रक से दिल्ली चला जाएगा। मैं काम करती हूँ, कल सुबह वाली बस से मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। जी हमें भी कल सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारा काम बाकी है। आप परेशान मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। वो बच गए, मैं इतनी देर सोता रह गया, वर्षा ने मुझे उठाया क्यों नहीं? मम्मी जी आप अब जा रही हैं? हाँ बेटा, जाना तो मुझे सुबह 6 बजे वाली बस से ही था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे सोती रह गई। जी वर्षा, तुमने हमें उठाया क्यों नहीं? अरे कितनी बार उठाने की कोशिश की, लेकिन आप दोनों तो घोड़े बेच के सो ही जा रहे थे। अच्छा लेकिन ये बात तो है कि आज कई दिनों बाद मैं बहुत अच्छे से सोया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी नींद पूरी हो गई, ऐसे भी आज तुमको बहुत भाग दौड़ करनी है। जी वो तो है। ठीक है बेटा मैं चलती हूँ, शुक्रिया, खुश रहो। चलो तुम अपनी पैकिंग शुरू करो, हम काफी लेट हो गए। जी वैसे ये पैकर्स वाले आए क्यों नहीं अब तक, उन्हें तो 8 बजे तक आ जाना चाहिए था। शायद पैकर्स वाले होंगे, मैं देखता हूं। जी नमस्कार, आपने पैकिंग के लिए बुलाया है? हाँ तुम अकेले आए हो? जी नहीं, मेरा साथी भी आया है, वो गाड़ी पार्क करके आ रहा है। अच्छा आओ अंदर आओ।
मैं अंदर जाके ज्वेलरी वगैरह रखता हूँ, तुम इन पर नजर रखना। मेरे मामा का लड़का, यही हमारा साथ देगा। थैंक यू जतिन, तुमने मेरा साथ देने का फैसला किया। यार लोग क्या कुछ नहीं करते, कुछ जानते हैं। मैंने ही वही किया। सच बताऊं, जब तुमने मुझे कल कॉल किया करके बताया कि हमारा रिश्ता टूट गया, मैं डर गया था। टूट गया था पूरा, मुझे लगा कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा। मैं क्या करती जान, मम्मी हर समय मेरे पर नजर रखी हुई। ये मेरे सब्जी का इत्र, इसलिए मैंने सही समय का इंतजार किया, राजीव और मम्मी के खाने में नीम की दवाई मिला दी। मम्मी खाना रेडी है। इसलिए कल रात मम्मी और राजीव ऐसे सोए कि मैं क्या करना चाहती थी उनको भनक तक नहीं होने दी। हेलो जतिन, मुझसे मेरे घर अभी के अभी मिलो आके। राजीव मुझे कल दिल्ली लेके जा रहा है। तुमने उसे मना कर दिया होगा ना? अरे मैं कैसे मना कर सकती हूँ, वो मेरा हस्बैंड है। उसका मतलब तुम मेरा फायदा उठा रही थी, मेरे जज्बातों के साथ खेल रही थी तुम। ऐसा कुछ नहीं है जतिन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। उस प्यार का क्या फायदा, कल तो तुम अपने पति के साथ जा रही हो और हम फिर कभी मिल भी नहीं पाएंगे। जतिन हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। कैसे? क्यों ना हम अपने प्यार के रास्ते के कांटे को हटा दे। मैं खूनी नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। जतिन लोग प्यार में सूली तक चढ़ जाते हैं, मैं तुमको कौन सा तुम्हारी जान लेने के लिए कह रही हूँ, मैं तो हमारे प्यार के दुश्मन की जान लेने के लिए कह रही हूँ। समझ ये नहीं होगा। ठीक है जाओ, लेकिन जब ही तुम्हें खबर भी लेगी ना कि मैंने तुम्हारे प्यार के गम में जान दे दी,
तो आंसू मत बहाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जा पाऊंगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जतिन, मैं तुम पर आज भी आने नहीं दूंगी। तुम करेंगी कैसे? मेरे पास ना एक प्लान है, लेकिन उसके लिए हमें किसी और को भी शामिल करना पड़ेगा। मैं मामा का एक लड़का, कल उससे बात करती हूँ। अब आगे का क्या प्लान है? तुम दोनों को राजीव को हमारे रास्ते से हटाना होगा, और ऐसा लगना चाहिए कि घर में डकैती हुई है। एक मिनट, ये काम शुरू करने से पहले मुझे कुछ जानना है। हाँ बोलो। इन सब से मुझे क्या मिलेगा? इतना कि तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो शुरू हो जाओ। राजीव बचा लो मुझे। राजीव कौन हो तुम लोग? सब सब सारे पैसे दे दे जो भी रखा है, वरना बेचारी मारी जाएगी। राजीव। अच्छा मारो मारो ना। मुझे पता है तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। तुम जानना चाहती हो ना कि मुझे कैसे पता लगा? मेरे हाथ ये कार्ड लग गया जिसमें इसने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो चुका हूं वर्षा, और ये जानकर मुझे जरा भी हैरानी नहीं है कि तुमने मुझे लूटने का प्लान बनाया। मैंने इसके प्यार बढ़कर जो गलती की है ना, तुम वो गलती मत करना। ये वर्षा औरत नहीं, नागिन। ये मर्दों को अपने जाल में फंसाती है। ए बकवास मत कर, समझा? उनके जज्बातों से खेलती है, और जब उनसे बोर हो जाती है तो उन्हें मार देती है। ए, चुप कर। तुम्हें पता है मैं इसका तीसरा पति हूं। इसके पहले इसके दो पति भी संदेहजनक हालातों में मारे गए। क्या ये सच बोल रहा है? अरे ये क्या बोलेगी, ये औरत कभी किसी एक आदमी की होकर रह ही नहीं सकती। जब ये उनसे बोर हो जाती है ना, तो किसी दूर न पड़े मक्खी की तरह निकाल फेंकती। मुझसे सच्चाई छुपाई है? ये सच है जतिन, मैंने तुम्हें अपनी पिछली शादियों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं तुमको खोना नहीं चाहती थी। पर मुझे डर था कि कहीं तुम्हें ये सब पता चलेगा तो तुम कहीं मुझे छोड़ मत। जतिन, इस आदमी की बातों में भरोसा मत करो। बस यही, इसी मगरमच्छ के आंसू का इस्तेमाल करके इसने मुझे भी फंसाया था, और अब ये वही सब ड्रामा तुम्हारे साथ भी कर रही है। नहीं जतिन, ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरे परिवार पर दबाव डालकर मुझसे जबरदस्ती शादी की थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जतिन। अभी वक्त है जतिन, जो गलती मैंने की है ना वो तुम मत करना। Thank you.
जान से मार दो इसको। हालत ऐसी कर दो जैसे कि लगना चाहिए कि इस घर में डकैती हुई है। तुम लोग को क्या लगता है मुझे मार के तुम लोग बच निकलोगे? और तुम भी क्या मतलब? जब तुम लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, मैंने तभी पुलिस को फोन कर दी। हेलो पुलिस, और कॉल अभी चालू। ये कॉल अभी चल रही है और पुलिस किसी भी वक्त आती होगी। तुम लोगों को तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। तुम लोग वहां से निकलो, मैं सामान लेके आता हूं। जल्दी करो, निकलते हैं यहां से। खबरदार, अपनी जगह से कोई भी हिला दो। कुमार अंदर देखो क्या मांग रहा है। सर, यहाँ पे लैंप है। इन तीनों को अरेस्ट करो और अंदर लेकर आओ। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए तैयारी करो, समझे? क्या इंसानियत की कीमत इतनी सस्ती होगी? तुम तो इसकी बीवी थी ना, और इसकी जान लेने से पहले तुमने एक बार भी उन सात वचनों के बारे में नहीं सोचा जो तुमने शादी के वक्त लिए होंगे। मैं भी कैसी बचकानी बातें कर रहा हूं, तुम्हें कहां से याद होगा? अरे तुम तो निहायत ही बेशरम औरत हो जो अपने पति के पीठ में छुरा मारकर बिल्कुल नहीं शर्माए। और तुम लोग, अरे तुम लोग कैसे इंसान? एक बेजुबान जानवर भी तभी शिकार करता है जब उसे भूख लगती है, तभी किसी की जान लेता है। तुम लोग तो उससे भी गए गुजरे निकले, अपने छोटे से फायदे के लिए एक मासूम का खून बहा दिया। अब तुम लोग ना सब जेल में सड़ोगे और पल पल अपने गुनाहों के लिए पछताओगे। कांस्टेबल लेके चलो इन सबको।